असलामुअलैकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मेक मनी ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पार्ट टू है, यानी कि कल के दिन मैंने जो वीडियो बताया था जहाँ पर आप मग्स को डिज़ाइन करके सेल कर सकते हो, तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि मग्स को डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, आज के पार्ट में आपको मैं ये बताऊँगा कि उसको सेल कैसे करना है। ठीक है, मेन टारगेट ऑडियंस मतलब फेसबुक कैंपेन हमको किस तरह क्रिएट करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको कैंपेन क्रिएट करना है, आपको किस तरह परफेक्ट टारगेटिंग करना है ताकि आपका लो बजट में सेलिंग ज़्यादा और आप हर मंथ का $300 प्लस इनकम कर सकें। सो फ्रेंड्स, जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो चैनल पर जाकर देख लीजिए, यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस तरह का बैनर लगा हुआ है, $300 पर मंथ बाय सेलिंग कॉफी मग्स और टी मग्स। तो ये पहले वीडियो देखे तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। और बेसिकली यार, मेरे लिए तो आज का वीडियो बनाने कोई मन ही नहीं था सबसे पहली बात। ठीक है, मैं इतना अपना टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा, आपको शायद पता नहीं है, बट एक वीडियो बनाने के लिए 2 घंटा लगता है। उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसको उसको बराबर एडिटिंग करना, दैन उसको आउटसोर्स करना, ये पूरी चीज़ के लिए 2 घंटा लगता है। मैं अपना 2 घंटा आपके लिए दे रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि आप किसी को इंटरेस्ट है कुछ सीखने में। कल के वीडियो 17 घंटा हो चुका है, 700 ही व्यूज़ मिले हैं और 9000 सब्सक्राइबर हैं। मतलब यार, 1% लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे चैनल को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मैं तो अर्निंग के लिए चैनल को स्टार्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, अगर मुझे अर्निंग के लिए करना होता तो मैं तो जो टेक्निकल गुरु जी और जो बॉस रहे रिव्यूज़ के वर्क कर रहे, तो मैं तो उनसे ऊपर जा सकता हूँ या फिर उनके लेवल में इजीली पहुँच सकता हूँ। क्योंकि यार, मैं जिस तरह लोगों के मार्केटिंग करके उनको हाई लेवल तक पहुँचा सकता हूँ यूट्यूब मार्केटिंग पर, तो मैं मेरा भी सेटअप कर सकूँ उस चीज़ के लिए। बट मैं ये सोचता हूँ यार, किसी के अगर फ़ायदा हो रहा है अपने वीडियो से, उसको अगर कुछ पता चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ उसके लिए बेहतर है। अब 700 लोग देखे, उसमें से 30 लाइक है, कमेंट 3-4 बहुत से बस 10-12 कमेंट है। मतलब यार, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बेफालतू का वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। बट सोचा जाने, तो आज का मैंने कल बताया था कि आज कैंपेन क्रिएट करना बता दूंगा, और उसके बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कि वीडियो बनाओ या मत बनाओ। बट आपके लिए चांस है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसी तरह रिसर्च करके टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ, तो गाइस बेसिकली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मुझे इंस्पायरेशन मिलेगा। और अगर बेसिकली ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ का मैं कोर्स बना के सेल करूँ ना गाइस, तो मैं लाखों ने करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। इंग्लिश में कोर्स बनाया तो वर्ल्ड वाइड से मेरे पास सेल्स होंगे प्रोडक्ट्स। बट मैं यार सोचता हूँ किसी अपने वाले का फ़ायदा हो रहा है, इंडियंस में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुत से लोग हैं यार जो बेचारे जॉबलेस है, जो बेचारे नॉन एजुकेटेड है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि अपनी ओर से कुछ नॉलेज उनको प्रोवाइड कर पाऊँ। बट यार, आप तो है तो बस ईजी लेते हैं उस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि अच्छा, मुझे चैनल अब स्टॉप करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो चैनल को मैं स्टॉप ना करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को इतने लाइक्स दीजिए क्या मुझे इंस्पायरेशन मिले और मैं फिर से आपके लिए रिसर्च करके वीडियो बना सकूँ। ठीक है, जो लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, वीडियो को देखा, उनके लिए थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। और बेसिकली अभी टॉपिक पर जाने से पहले बताना चाहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तो बिल्कुल मन मेरा टूट चुका है। ठीक है, 9000 सब्सक्राइबर मुझे 3 मंथ में मिला है। मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर्स है जो 1-1 साल बीत जाते हैं लेकिन 5000 क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ तो मैं कोई और नीच पर भी वीडियो बनाकर पैसा कमा सकूँ। बेसिकली अगर मुझे पैसे के लिए ये वीडियो बनाना होता, बट मुझे पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स है मेरे पास जहाँ पर मैं इतना ट्रैफिक ड्राइव कर सकता हूँ मेरे चैनल पर, क्या मुझे टन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, और फिर मैं प्रोडक्ट रिव्यू देख कर हर प्रोडक्ट का 2-3 लाख रुपये ले सकता हूँ। पर यार, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है रिव्यूज़ में करने पर, इसके लिए मैंने ये नीच छोड़ा ताकि लोग इनकम कर सकें। ठीक है, अगर आप चाहते हो वीडियो की सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कम से कम 700 लोग देख रहे, 700 लोग तो लाइक कीजिए यार, 1 लाइक बटन क्लिक करने में क्या जाता है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं टॉपिक पर। जैसे कि आपने कल चेक किया था, मैंने कैंपेन रेडी किया था। जिसने वीडियो नहीं देखा उनको दोबारा बता दो, चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए किस तरह डिज़ाइन करना है, देन ओनली आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, ये लिंक यहाँ से मैंने कॉपी किया, अभी मैं डायरेक्टली मेरे फेसबुक अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 1 घंटा अवेलेबल है सेल्स के लिए। मैं इसको वापस रिन्यू कर सकता हूँ इस टाइमर को, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक स्पेशली एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाया है, मतलब प्रमोशन करवाने के लिए। एग्जैक्टली वो कैसा है, उस पर वर्क कैसा होने वाला है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, बट उसके पहले आपको मैं फेसबुक ऐड कैंपेन किस तरह क्रिएट करना है वो बताऊँ, क्योंकि बेसिकली इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है फेसबुक कैंपेन रन करने के लिए, मतलब उसको क्रिएट करना, ये सेटअप करना, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बेसिकली। तो इसके लिए मैं सोच रहा कि पहले आपको ऐड कैंपेन बता दूँ।
देन मैं आपको जब वीडियो अपलोड करूंगा तो वो भी हो जाएगा, बट फिलहाल मैं फेसबुक की ओर से भी ब्लॉक तो क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑटो पोस्टर पे पोस्ट मेरे लगा रखे थे, शायद उसी की वजह से मैं ब्लॉक हो चुका हूँ। चलो कोई नहीं, आज रात 3 बजे तक शायद अनब्लॉक हो जाऊँगा, बट पॉसिबिलिटी से अगर वीडियो अपलोड हो जाता है तो बढ़िया, अगर वीडियो अपलोड नहीं होगा तो फिर थोड़ा दिक्कत का मामला हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरा पेज सेलेक्ट करके बता दूँ कि फ्रेंड्स मैं इस नीच के ऊपर अपना एड्स कैंपेन क्रिएट करने वाला हूँ, कैट लवर क्लब्स, काफ़ी बेहतरीन नीच है जो कि ई कॉमर्स के लिए बेनिफिट्स काफ़ी देता है। ई कॉमर्स के रिलेटेड मतलब यार जो लोग अपने प्रोडक्ट्स, मैं क्या बताऊँ आपको, ऑनलाइन में वही इंसान कामयाब होता है जो डिफरेंट तरीके से सोचता है, जो ये सोचता है कि मुझे जॉब करना है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार वो कामयाब नहीं होगा, बेसिकली वो भी कामयाब होते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन का मैंने जो नॉलेज लिया हो उसमें वही लोग कामयाब होते हैं जो डिफरेंट सोच रखते हैं। ठीक है, तो सोच को बदलिए अपना और उस तरह सोचिए जिस तरह एक बड़ी कंपनी सोचती है। ठीक है, कंपनी क्या सोचती है, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, उसको सेल आउट करना है। आप भी वही कर रहे हैं, न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, उसको सेल आउट कर रहे हो, कमीशन आपको मिल रहा है पर प्रोडक्ट सेल करने पर। अब उसके लिए आपको ज़रूरी है फेसबुक कैंपेन प्रॉपरली क्रिएट करना। अगर आपके फेसबुक में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो शायद आप कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे, फिर आपका पैसा लॉस में जाएगा सिर्फ एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली बताने वाला हूँ किस तरह एड कैंपेन क्रिएट करके रन करना है। रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो कोई भी देख रहा है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है, और यार लाइक बटन पे किस तरह क्लिक करते रहिए। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ ट्रैफिक। बेसिकली आपको यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजिंग बोलते हैं ना कैटलॉग्स मिलेंगे, जहाँ पर आप बहुत सारे तरीके से प्रमोट कर सकते हो अपने बिजनेस को, बट मेरे हिसाब से जो चीप कॉस्ट में होना चाहिए तो वो एंगेजमेंट होता है, दूसरा ट्रैफिक होता है, बट मैं अभी फोकस कर रहा हूँ ट्रैफिक पर। यहाँ पर कैंपेन का जनरली आप नेम दे सकते हो, कैट लोबर्स हो गया, यार मेरे कीबोर्ड के पूरा मिट चुके हैं बटन्स, थोड़ा मिस्टेक हो, कैट लवर, ये नाम कुछ भी दे सकते हो रैंडमली। अब मैं ज़्यादा कैंपेन क्रिएट करता हूँ तो वो हिसाब से, अगर आप बहुत सारे क्लाइंट के कैंपेन क्रिएट करके रन करते हो तो उसके हिसाब से आपको नाम देना होता है उनके रिलेटेड, ताकि आपको याद आ सके कि अच्छा ये उस क्लाइंट का है या फिर ये उस प्रोडक्ट का कैंपेन मैंने क्रिएट किया हूँ। ठीक है, तो नाम एग्जैक्टली वो दीजिए जो आपका कैंपेन का रिलेटेड हो, ताकि आपको याद आ सके कि अच्छा ये चीज़ इसके लिए है। ठीक है, तो आज के दिन में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस तरह आपको सेटअप करना है, जिस तरह का आपका नीच है वो हिसाब से, अगर आप कम बजट है तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ आपके ही कंट्री को टारगेट कीजिए। पाकिस्तान में इतने चीज़ सेल नहीं होते हैं तो मैं पाकिस्तान को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस पाकिस्तान बुरा मत माना वो लोग जो मेरे से दूसरे कंट्री के, क्योंकि मैंने देखा हूँ ज़्यादा लोग वहाँ पे ऑनलाइन परचेस नहीं करते मेरे रिसर्च के हिसाब से। तो मैं इसको टारगेट रखने वाला हूँ 25 ईयर्स टू 34 ईयर्स। ठीक है, ये जो एज के लोग हैं हमारे कंट्री में, यही लोग इस कैटेगरी को लाइक करते हैं, यानी जो कैट लवर्स क्लब है यही लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा वुमेंस। मैन को टारगेट करके मतलब ही नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि यार वो पसंद ही नहीं करते और वो प्रोडक्ट हमारा परचेज ही नहीं करने वाले, क्योंकि तो हाँ किसी को अगर गिफ्ट देना है तो उस तौर पर अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पर कोई सेल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आपने लोकेशन सेट किया, एज ग्रुप सेट किया, जेंडर ले लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया। अब मेन होता है डिटेल टारगेटिंग। मेन क्या होता है, हर चीज़ में कौन से लोगों को ऐड दिखाना है। अगर आप मान लीजिए अगर आप कैट लवर्स के अलावा डॉग लवर्स को दिखाओगे तो वो थोड़ी परचेस करने वाला आपका प्रोडक्ट। आप अगर उस इंसान को दिखाएंगे जो परचेस करने के लिए एबिलिटी नहीं रखते तो वो थोड़ी परचेस करने वाला है। अगर आप उस इंसान को दिखाएंगे जिसको इंटरनेट एक्सेस नहीं आता, जिसको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का पता ही नहीं, वो यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि इसके लिए बेसिकली हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या चाहिए आपके पास, कार्ड चाहिए, बैंक सिस्टम चाहिए, नेट बैंकिंग चाहिए। तो अगर जिसके पास वो अवेलेबल नहीं तो वो परचेज ही नहीं करने वाला हमारा प्रोडक्ट। तो उसके लिए मैं उन्हीं लोगों को टारगेट अभी करने वाला हूँ जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं नीच में, जो लोग एबिलिटी करते हैं ऑनलाइन परचेस में। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस चेक कर लीजिए। मेरा नीच है कैट, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 9 लाख, आई लव कैट्स, ठीक है, कैट लवर्स दिस इज ऑल्सो बेस्ट, वी लव कैट्स, ठीक है, और लव कैट्स, कैट्स लवर्स, ये इन लोगों में से जो भी लोग उसको लाइक करता है उनको दिखाएंगे। अब इसमें मैं एक आपको जो कहते हैं ना थोड़ा चेंजेस बताने वाला हूँ, जो कि आपको कम कॉस्ट में सेल दिला सकता है ज़्यादा। ब्राउजिंग में जाना है, ब्राउजिंग के अंदर आपको जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, एजुकेशन होम इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही पेरेंट्स,
इंटरेस्ट बिहेवियर्स में जाना है। बिहेवियर्स के अंदर आपको कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज़, डिजिटल एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़, कैनवास, गेमिंग, नो 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 इसमें भी नहीं, ठीक है। डिजिटल बिहेवियर्स मोर कैटेगरीज, मैं डायरेक्टली यहाँ पर डाल ही देता हूँ, कैटेगरी नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, ये उन लोगों को सिलेक्ट करेगा जो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एक चीज़, और एक और चीज़ आता है एम्प्लॉयमेंट। कभी को इनको टारगेट करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरह फ्लिपकार्ट, अमेजोन और तमाम और अदर इकॉमर्स साइट है वहाँ पर वर्क करते हैं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट बिलियंस मिलियंस में लोग पसंद करते हैं, ठीक है। बट आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग ऑन, ठीक है। अगर कुछ आ चुका है तो बेस्ट रहेगा, मैं फ्लिपकार्ट ट्राई करता हूँ। नॉट अवेलेबल ऑन ई कॉमर्स ट्राई करता हूँ, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग एक कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी नाम दे रहे हैं, मॉल में से ज्वेलरी शॉपिंग, क्लॉथ्स, या फिर और भी अदर एक ग्रेट एंड फेस्टिवल्स, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी है। बट अब मैंने जिस चार नीस इंटरेस्ट लेक किया हो, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट आपको दिख रहे हैं, अब इसमें से ऑनलाइन शॉपिंग जो करता है उन्हीं तक ही ऐड दिखाने वाला है, समझ रहे हो आप। मतलब यार जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो तो लोग है, प्लस उसमें से जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन्हीं को मेरा ऐड दिखने वाला है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक एग्जैक्ट टारगेटिंग। इससे क्या होता है, जो लोग इंटरेस्ट से परचेस करते हैं, क्योंकि यार सिस्टम पूरा किस तरह वर्क करते हैं मैं आपको एक शॉर्ट में एग्जाम्पल बताऊंगा। फेसबुक गूगल से डेटा कलेक्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल फेसबुक से ओल्ड है, उससे बड़ा इसके पास ब्रांड है, इसके बड़ा इसके पास मार्केटिंग सिस्टम है। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा फेसबुक जीरो इस चीज़ में, बिल्कुल है, फेसबुक इस चीज़ में एक्सपर्ट है। वो एक दूसरे से जो हम कहेंगे एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, पैसे देकर, फ्री में कुछ नहीं होता है इनमें, तो उस तौर पर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस पे से वो देखते हैं कि ये लोग, अच्छा ये लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं, अच्छा ठीक है इनको अलग रखिए, ये एक इंटरेस्ट रखते हैं इनको अलग रखिए। तो इस तरह सब कुछ होता है। आप इसके अंदर सजेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा और सजेशन देने वाला है। आई हर्ट कैट्स डॉट कॉम, ये एक पर्सनली वेबसाइट के लिए बता रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ इस चीज़ को तो जस्ट अ मोमेंट गाइस, अगर ये वेबसाइट प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो शायद मैं इसको भी टारगेट कर पाऊँ, लेट मी चेक डाउन। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये भी इसी तरह कुछ प्रोडक्ट सेल करते तो मेरे लिए बेनिफिशियल बात है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्लाइंट्स कस्टमर्स अवेलेबल है जो उसके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो बट मुझे पहले देखना होगा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है या सिर्फ नॉर्मल जन, आई थिंक सो ये प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है। सजेशन आप अगर फेसबुक अपनी ओर से भी सजेशन देता है तो इसको भी आप टारगेट कर लीजिए, मैं टारगेट कर दिया। और सजेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपको ऑल अबाउट कैट्स, अगर वेबसाइट को ऐसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार। कैट मेम्यू आई कैन नॉट शॉपिंग, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रॉड कैट है, इतना बड़ा करूँगा तो पैसा बहुत जाएगा। फैशन एक्सेसरीज क्लॉथिंग इंटरनेशनल, ठीक है। यहाँ पर डॉग लवर्स भी आए, इसको गलती से मत कीजिए। बिहेवियर्स कैट प्रोडक्ट्स, आई थिंक सो ये प्रोडक्ट्स मतलब उनके खाने पीने या उनको नहलाने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पूस होते हैं, उसके लिए बता रहा है, इनको भी टारगेट मत कीजिए, क्योंकि हमको वो लोग चाहिए यार जो प्रोडक्ट परचेज कर सके, ठीक है। तो एक्जैक्टली उनको ही दिखाएंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेंगे। एड प्लेसमेंट पर आप कर सकते हो, आप चाहते हो इंस्टाग्राम पर इसको रन कर सकते हो, मैं इसको हाइड कर दूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पर ठीक नहीं है फिलहाल मेरे, क्योंकि यार इंडिया में इंस्टाग्राम यूज़ होता है इतना हाई क्वांटिटी भी नहीं होता जितना होना चाहिए। आई एम टू से दैट पीपल आर नॉट कनेक्टेड फॉर परचिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड को मत लीजिए। लाइव स्ट्रीम वीडियो को नहीं, राइट कॉलम ठीक है, फीड्स ठीक है, और इंस्टेंट आर्टिकल इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको भी थोड़ा मूव, ठीक है, ये हो चुका है। ऑल डिवाइस रिकमेंडेड है, आप चाहो तो इसको पर्टिकुलर कर सकते हो। ये सब कुछ जो होता है, पहले आपको एक टेस्ट कैंपेन रन करना होता है, पहले देखना होता है कौन से लोग ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, मोबाइल डिवाइस वाले या डेस्कटॉप, उसके बाद आप सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मैंने लास्ट इसके पहले कुछ मेरे क्लाइंट के लिए क्रिएट किया था, इसके अंदर मोबाइल से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा था, सेल्स जनरेट हो रहा था, उस टाइम पर मैंने उसको मोबाइल डेस्कटॉप किया था, बट बाद में मैंने उसको ऑप्टिमाइज़ कर उसको सिर्फ मोबाइल पर रखा था। अभी मैं आपको इसको भी ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है, बोल नहीं सकते कौन परचेस करेंगे, ठीक है। डेली बजट 800 है, लाइफ टाइम बजट है, यहाँ पर आप डेली बजट ऑलमोस्ट इतना मत रखिए,
₹80 पर डे का रखिए ताकि आपको ऑप्टिमाइज को टाइम मिल सके। यहाँ पर कंटिन्यूसली रन होने वाला है एड्स, तो या फिर आप रन एंड कंटिन्यूसली स्टार्ट टुडे। यहाँ पर आपको ₹100 बता रहा है बजट बढ़ाने के लिए, रिकमेंडेशन है फेसबुक की ओर से, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। स्केड्यूल इसको रन माय एड्स सेट कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, ठीक है। तो इसको परफेक्ट रहे, पर वीक के लिए आपको ₹700 चार्ज होने वाला है। लिंक क्लिक्स यानी आप मैं जो लिंक पोस्ट करने वाला हूँ उसके लिए बेसिकली बता रहे हैं, और ऑटोमेटिक इसको हमेशा रखिए, मैनुअल कभी मत कीजिए। वेन गेट अ चार्जेज, जब पर्सन कोई लिंक पे क्लिक करेगा देन ओनली और समथिंग हो गया कंटिन्यू, ठीक है। ये इतना सेटअप हो चुका, अभी आगे का प्रोसेस होने वाला है, उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ। अगर फिलहाल तो शायद मेरा पोस्ट वहाँ पर ब्लॉक्ड है, आई मीन टू से दैट फेसबुक ने मुझे ब्लॉक किया है स्पैमिंग रीज़न के लिए। सिंगल वीडियोज़ में इसमें देना चाहूँगा, सिंगल वीडियोज़ में अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बट उससे पहले मैं चैनल अपने पेज को कनेक्ट कर देता हूँ उससे, कैट लवर्स को, ताकि वही लोग, ठीक है, कैट आवर्स को कनेक्ट कर दिया हूँ। सिंगल वीडियोस मैं इसमें ऐड करूँगा, एक ही वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन ऐड, फुल स्क्रीन कैनवास ये भी कर सकते हो, वीडियो अपलोड करने अपलोड कर सकते हो, चैनल अगर पेज पर अपलोड किया है तो वो भी कर सकते हो। मैं फिलहाल अपलोड करूँ क्योंकि मैं फेसबुक पेज पर तो ब्लॉक टू ओके, तो मैं फ़िलहाल अपलोड करता हूँ। थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि गाइस जब भी आप लाइव कैंपेन क्रिएट करते हो, लाइफ ने अगर आप कैंपेन क्रिएट भी करते हो थोड़ा टाइम लगता है, बट बेसिकली यार मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो पेशेंस बनाए रखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, स्लोली बता रहा हूँ। ओके, थोड़ा मिस्टेक हुआ शायद, मैंने रेजोल्यूशन पहले चेक नहीं किया, 6x19 है। होपफुली अगर ले लें तो बेहतर है यार, क्योंकि यार उसके लिए अलग से टाइम फिर बहुत जाएगा। हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक। सो अगर इस पर नहीं होता इमेज पर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम है। ओके, यहाँ पर हेडलाइंस आप दे सकते हो जो आपको दे दे देना चाहते हो। ओके 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 ओके, वीडियो थंबनेल पूछ रहा है किस तरह का थंबनेल चाहिए, कोई भी थंबनेल रैंडमली ले लीजिए, ठीक है, ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल देना है, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, हमेशा जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो उसको ऐसा वर्ड यूज़ कीजिए जो कि आपको पढ़ने वालों को एक एक ऑर्डर दे सके, क्या भाई अगर इंटरेस्ट है तो परचेस कीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, शो योर लव बाय बाइंग दिस मग, मतलब आपका प्यार बताइए मग्स को परचेस करते हुए, ठीक है। टैक्स दोनों दो टैक्स को जो देना चाहे लिख सकते हो, यहाँ पर आपको आपका लिंक इंक्लूड करना होगा। यहाँ पर मैंने लिंक कॉपी किया, 1 2 3 थ्री लिंक इसके लिए देखा क्योंकि हाईलाइट होगा लोगों में, लोग जब देखेंगे उस चीज़ को तो हाईलाइट करेंगे। प्रीव्यू नॉट अवेलेबल, अनेबल टू डिस्प्ले द प्रीव्यू दिस एड, ठीक है। फिलहाल प्रीव्यू अवेलेबल नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने लिंक दे दिया, शो योर लव बाय बाइंग दिस मग्स, लिंक्स आर बिलो, ठीक है। इसको हम बेसिकली एक CTR कहते हैं हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में, CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट इसको CTR कहते हैं, और इसको CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन मतलब हम ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई सेंटेंस क्रिएट करें जो कि सामने वाले पढ़ने को एक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल फीड्स के लिए तो नहीं आ रहा है, बट मैं फिलहाल उसको कंटिन्यू करूँगा प्लेस ऑर्डर पे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट लाइव होगा, और जो भी लोगों को मैंने टारगेट किया हो इंडिया में उनको बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा दिखना। अब इसमें यह बता रहा है कि नो कैनवस सेलेक्टेड, यू हैव नॉट सेलेक्टेड। अच्छा, मुझे कैनवस का मैंने साइज बताया यहाँ पर कि किस तरह मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं बेसिकली इसको यूज एग्जिस्टिंग बता रहा है या न्यू, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ठीक है, थोड़ा डिफरेंस डिज़ाइन में देखेंगे तो लोगों के नज़रों में आएंगे। कभी भी ऐसा चीज़ यूज़ कीजिए जो कि स्क्रॉल हम जब करते हैं तो उसमें हमको दिखना चाहिए एक्जैक्टली, अच्छा ये कुछ जा रहा है, ऊपर जा रहा है बोलकर, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आई थिंक सो मुझे इसमें और एक्सटर्नल इमेजेस ऐड करना होगा, बट फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा रहने ही देता हूँ क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और मैंने चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, तो मैं यूज़ एग्जिस्टिंग पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेस ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया हूँ, और कैनवस सेलेक्ट बेस में क्रिएट अ न्यू वन, कैनवस नॉट सेलेक्टेड यार, ये बता रहा है। अगर आप ये सुन सक रहे हो तो वॉइस आप सुन सक रहे हो,
मतलब ये एक ऐसा बता रहा है कि आप जब उसमें कुछ फिल करोगे कॉफ़ी या टी, तो उसका जो मेन डिज़ाइन है वो हाईलाइट किया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा। ये कब का फीचर्स है, ये कंपनी का फीचर्स है, फेसबुक का नहीं है, कंपनी का फीचर। तो मैंने उसी टाइप का एक वीडियो ऐसे बनाया हूँ। और कैनवास का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो सेलेक्ट सर्च एंड फैन एग्जिस्टिंग कैनवास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज़ को हटा ही देता हूँ, फुल स्क्रीन को ही रखता हूँ ताकि टाइम बचे। ठीक है, यहाँ पर शायद अभी प्रीव्यू भी आ जाएगा होपफुली, और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देगा, लर्न मोर एक बटन क्रिएट हो जाएगा, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, कॉन्टैक्ट, डाउनलोड, सेंड। अब मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, सेलिंग के लिए क्या चाहिए, बॉय प्रोडक्ट। मैं इसको डिस्क्रिप्शन इतना डीपली नहीं दिख रहा हूँ ताकि मैंने कुछ कंटेंट रेडी नहीं किया हूँ, तो एक जनरल टाइप का रेडी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ऑफलाइन ट्रैकिंग, यू डोंट हैव एनी ऑफलाइन इवेंट सेटअप सो बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ट्रैकिंग ऑल द कन्वर्जेशन गाइस, बेसिकली आपने अगर लास्ट वीडियो देखा तो उसके अंदर ट्रैकिंग पिक्सल का आया था, तो ये ट्रैकिंग पिक्सल ये फेसबुक से जनरेट होता है जो कि ट्रैक करेगा हर एक बंदा जो इस पर क्लिक करके आपके साइट पर जा रहा है, वहाँ पर वो परचेस कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब डिटेल ट्रैक करके आपको बताएंगा। बट मैंने अभी सेट नहीं किया हूँ क्योंकि उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाला है और भी कुछ वीडियोस इसके रिलेटेड आएंगे, तो उस टाइम आपको सिर्फ एक अलग से सेशन रखूंगा पिक्सल किस तरह जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आ चुका है शो योर लव परचेजिंग, जैसे ये प्ले होंगे ऑटोमेटिकली पर, तो इस तरह बताया जाएगा। चेक करिए आपने, अब मैं इसको करने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको शॉप नाउ के ऊपर एक लिंक दे देता हूँ ताकि यार जो परचेस करे, डिस्प्ले लिंक एक्सैक्टली यू आर पैरामीटर्स ऑप्शनल है, और दिस जो बिजनेस पार्टनर, फिलहाल कोई भी नहीं है यार बिजनेस पार्टनर, यहाँ पर लिंक, ठीक है यहाँ लिंक दे दिया हूँ, यानी बंदा जब इस बटन अवेलेबल हो जाएगा शॉप नाउ यहाँ पर चेक कर सकती हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, उसको प्रीव्यू होने दीजिए। ठीक है, शॉप नाउ का बटन आ चुका है, या बंदा इस पर क्लिक करे या इस पर क्लिक करे, चार्जेस मुझे लगने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपये चार्ज होने वाला पर मेंबर्स का, मैंने अंदाज़ा 30 रुपये लगाऊँ, 3-4 रुपया पर मेंबर का क्लिक्स होने वाला है। एस्टिमेटेड व्यू जितना ठीक रखोगे, परफेक्ट रखोगे, उतने ही आपको मेजरमेंट करने के लिए बेहतर होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कैंपेन सेटअप हो चुका है, अप्रूव हो रहा है, डिफ़ॉल्ट नेम ट्रैफिक रखा उसके अंदर, और 2x3 टोटल आइटम, योर ऑर्डर इज प्लेस इन रिव्यू एंड अप्रूव होगा। ठीक है, कान डन, कंटिन्यू, बहुत फास्ट हो चुका है फिलहाल फेसबुक। ठीक है, फाइनली हमारा एड कैंपेन क्रिएट हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया हूँ, यहाँ पर आपको डिलीवरी बताएंगा, रिजल्ट, रीच, अमाउंट, कितना चार्ज होगा, सबको इंप्रेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाला है, जैसे आपका एड सक्सेसफुली रन करना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ सके, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर किए और उनको बताए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी इसी तरह के वीडियोज आगे फ्यूचर में ला सकूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।